अभी आपने बोला कि बहुत सारे बिजनेस आपने क्विट किए और नए शुरू किए, तो क्या ऐसे 5 पैरामीटर्स आप बता सकते हो कि जिसको मेजर करके कौन सा बिजनेस क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन से 5 पैरामीटर होने चाहिए? वेरी गुड। ये एक कठिन प्रश्न है लेकिन साथ में बड़ा आसान भी है। आसानी रूप से मैं लूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति पर निर्भर करेगा। जो जवाब मेरे लिए ठीक है वो शायद आपके लिए ठीक ना हो, आपके लिए जो ठीक है वो इनके लिए शायद ठीक ना हो, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस, मुझे मेरा बिजनेस का इस समय इस पे ये रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या दे रहा है। प्योर एंड सिंपल पहली चीज़ ये तो हम देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है। क्या मैं इस बिजनेस को, इस मेरी कैपिटल को अगर इस बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में लगाऊं तो क्या वो मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा दे सकेगा? शायद, दैट इज़ अनदर सेकेंड वे। कई बार बहुत से बिजनेसेस आज के युग में खास करके हमें देखने को मिलते हैं, हम क्या कहते हैं हमारे बिजनेस में, हमको बिजनेस वो करना है या तो उसमें बहुत सा ही एक्सेसिव कैश फ्लो हो और कैश प्रॉफिट काफ़ी हो, और अदरवाइज ऐसा बिजनेस करिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाए, और तीसरा ये जो मेरी सोशल कैपिटल बढ़ाए। तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं जिस स्थिति में खड़ा हूँ, मैंने पिछले वर्ष जब मैं 90 वर्ष हमारे ग्रुप के पूरे हुए तो मैंने वहाँ पे अनाउंस किया था कि अब से आगे मैं जो भी काम करूँगा वो सोशली रेलेवेंट बिजनेस होगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा।